कई युवा संगठन दोनों समुदाय के हमारे पास आए, उन सब के अनुरोध से हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, मगर इसमें मुझे लगता है कुछ समय लग सकता थी। नहीं तो जो भी न्यायालय में होगा वो सबके सम्मत है, मगर आगे चल के 50 साल बाद 100 साल बाद कोई एक समुदाय ये सोच सकता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, फिर ये मुद्दा फिर उठ सकता है, और यदि हमेशा के लिए इसको समाप्त करना हो तो एक ही रास्ता है, वो दोनों समुदाय के सौहार्द से, दोनों समुदाय के सहकार से, संयोग से भव्य मंदिर बने। जहाँ तक राम जन्मभूमि से संबंधित मुद्दे का है, हम सब जान रहे हैं कि 5 दिसंबर से इस पे डे टू डे की सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय कर रहा है। बातचीत के प्रयास अतीत में भी काफी हुए हैं, हमेशा वो निष्फल हुआ है, फिर भी कोई प्रयास करता है मुझे लगता है स्वागत योग्य है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ही इसमें सुनवाई कर रही है, हमें इसका इंतजार करना चाहिए। I had already informed Mr. Sri Ravi Shankar ji that if he wants to give some proposal, but this proposal will not be worth consideration, that Muslims should surrender their right. This will not be considered. This has already been rejected. Apart from this, if he has any other proposal, then he should first consult or discuss with Vishwa Parishad, because they are main Hindu party. 1991 mein बातचीत हुई थी और मुसलमानों ने बातचीत में ये कहा था कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि अयोध्या में जहाँ वो ढांचा खड़ा था रामकोट मोहल्ले में, वहाँ अगर कोई पहले से हिंदू मंदिर था इसके प्रमाण मिल जाएंगे तो हम स्वेच्छा से छोड़ देंगे। मुस्लिम लीडरशिप ने ये वचन दिया और ये वचन रिकॉर्डेड है। अब ये सिद्ध हो गया तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, अपना मुकदमा विड्रॉ कर लेना चाहिए।